Hello guys, good morning to all of you. This is Meghraj here and now we are going to get discussed about the types of semiconductors. तो अब हम discuss करेंगे कि semiconductor कितने type में divide किए गए हैं और फिर उनका explanation. तो देखते हैं semiconductor यानी अर्धचालक जो हैं ये two types में divide किए गए हैं. Pure semiconductor यानी इनको बोलते हैं नैज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और एक होते हैं सॉरी ये कह सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं इंट्रेंसिक बोलते हैं इनको, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और ये होते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ये होते हैं बाह्य अर्धचालक. तो नैज अर्धचालक प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम वही एग्जांपल होंगे. बट एक्सट्रिंसिक जो होते हैं ये इम्प्योरिटी मिक्स होते हैं, ठीक है, अशुद्धि अपमिश्रित. ये में अशुद्धियां मिश्रित होती हैं और ये अशुद्धियां कितने तरह की होती हैं, ये दो तरह की होती हैं. एक होती है पेंटावैलेंट पंच संयोजी अशुद्धि इम्प्योरिटी, ठीक है, जैसे आर्सेनिक प्लस फाइव, और दूसरा होता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी त्रिसंयोजी अशुद्धि, इसको बोलते हैं त्रिसंयोजी, जैसे एल्युमिनियम प्लस थ्री, यानी थ्री वैलेंसी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें से ये यूज हो गए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी त्रिसंयोजी अशुद्धि के रूप में. और ये है पंच संयोजी अशुद्धि, ठीक है ना. अब जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो देखिएगा आगे क्या होगा. ये हमने दो यूज किया आर्सेनिक इन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक एएस प्लस फाइव एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम प्लस थ्री. जब ये इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स की जाती है तो क्या होता है, इट गिव्स एन टाइप और निगेटिव टाइप होते हैं इसको, निगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है और एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इनको इस तरीके से शो किया जाता है. इसी तरीके से जब ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो ये गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और पॉजिटिव टाइप, और इसका सिंबल होता है ये है होल. इसमें चार इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली प्योर सेमीकंडक्टर से शेयरिंग करने के लिए अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं तीन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने हैं पांच, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहता है और यहाँ लोअर में से रहती है. तो हम कह सकते हैं एक्सेस नेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन. और यहाँ क्या होता है लोअरनेस इलेक्ट्रॉन की होती है, तो ये कह सकते हैं लोअरनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम होल बोलते हैं. तो जो ये लिखा गया ये होल है और जो ये बताया गया ये इलेक्ट्रॉन था. तो इस तरीके से अब
सेमीकंडक्टर में जो फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है। तो चलिए अब इनमें से हम थोड़ा सा एक और डिस्कस करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको भी कई टाइप में डिवाइड किया गया है। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यानी तात्विक अर्धचालक, ये हैं जर्मेनियम सिलिकॉन, यही है। और इसके बाद जो है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक सेमीकंडक्टर। इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे? बेरियम आर्सेनाइड GaAs CdS, ये हो जाएंगे CdSe एंड इंडियम फॉस्फाइड, ये आते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में। इसी के साथ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर अगर देखें यानी कार्बनिक अर्धचालक, तो ये हो जाएंगे एंथ्रासीन मांद्रित थैलोसायनिन, ये होंगे एंथ्रासीन एंड मांद्रित थैलोसायनिन, ठीक है ना। ये होते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक पॉलीमर ये भी होते हैं, और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में से आ जाते हैं पॉलीपायरोल पॉलीएनिलीन, ठीक है ना, और पॉलीथायोफिन, ये चीज आते हैं पॉलीपायरोल पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफिन, ये आते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में से, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका डिवीजन किया गया कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में स्प्लिट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड पी टाइप इज पॉजिटिव टाइप एंड लोअरनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंटेन्स होल। तो जब पंच संयोजी अशुद्धि मिश्रित की जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है, और जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिक्स की जाती है तो होल प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसके साथ ही अब आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें से चालक अचालक और अर्धचालक को इनकी श्रेणियों में किस कारण से रखा गया है। तो देखिएगा, चालकों में से कंडक्टर्स के लिए ये एनर्जी बैंड थ्योरी, इसके लिए जो ईजी होता है वो जीरो होता है। देखिएगा यहाँ पर दो लेवल बनते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी में से, ये कंडक्शन बैंड होता है तो कंडक्शन एनर्जी, और ये संयोजी बैंड होता है वैलेंस बैंड, इसलिए वैलेंस एनर्जी ईवी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये इनके एनर्जी लेवल हैं, ये चालन सॉरी संयोजी बैंड है, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसीलिए हमने इसको ईवी लिखा है, वैलेंस बैंड की एनर्जी। और ये होता है चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड सी होता है, इसलिए इसकी एनर्जी को ईसी से डिनोट किया गया है। बीच का जो लेवल होता है वो एनर्जी गैप होता है, ध्यान रखिएगा। और जो ये कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, तो ये ईवी है और ये ईसी है, यानी कंडक्शन एंड वैलेंस। तो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड में ही होते हैं, ये जो होता है एम्प्टी होता है यानी खाली होता है, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ये होगा और इनके बीच की जो ऊर्जा है उसे एनर्जी गैप बोलते हैं। इनको जब क्या करते हैं कि जब अशुद्धियां आप मिश्रित करते हैं, फैन नेक्स्ट इम्प्योरिटी दैन सच एनर्जी डेवलप
एक ऊर्जा और विकसित होती है जिसे डोनर एनर्जी एंड एक्सेप्टर एनर्जी भी बोलते हैं। देखिएगा इस तरीके से ये टी ग्रेटर जीरो केल्विन टेम्परेचर के लिए है, तो एन टाइप के लिए जब देखेंगे ये था बैलेंस और ये था कंडक्शन। तो कंडक्शन बैंड के नीचे एक लेयर होती है जिसे हम ईडी बोलते हैं और इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट के अप्रॉक्स होती है, यानी इसकी जो एनर्जी होगी वैलेंस बैंड की वो एनर्जी अप्रॉक्स 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है, जिसे हम वैलेंस एनर्जी भी डोनर एनर्जी बोलते हैं। तो ये डोनर एनर्जी की वैल्यू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और ये एन टाइप के लिए है, और जब यही टी ग्रेटर जीरो केल्विन के लिए लेंगे और ये पी टाइप के लिए लेंगे तो ये कंडक्शन बैंड तो वैलेंस बैंड के कुछ ऊपर होता है और इसकी वैल्यू होती 0.01 to 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको एक्सेप्टर एनर्जी बोलते हैं ई ए, ध्यान रखिएगा। तो ये एनर्जी डेवलप होती है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम मिक्सिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ग्रेटर हो और ऐसी सिचुएशन पर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करें, यानी शुद्ध अर्धचालकों में जब हम कुछ अशुद्धियां मिश्रित करते हैं उस स्थिति में एन टाइप एंड पी टाइप में, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में से कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे एक एनर्जी लेवल की लेयर विकसित होती है, डेवलप होती है, जिसे डोनर एनर्जी कहते हैं ईडी, और इसकी वैल्यू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इसी तरीके से इतने ही टी ग्रेटर जीरो केल्विन टेम्परेचर पर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखते हैं, जब इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में से तो वैलेंस बैंड के ऊपर एक एनर्जी की लेयर डेवलप होती है जिसे एक्सेप्टर एनर्जी कहते हैं, और इसकी एनर्जी लेवल जो होता है 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो हम बात कर रहे थे कंडक्टर्स के लिए, तो इसके लिए ईजी की वैल्यू 0 होती है और इस वजह से इनमें जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं तो एनर्जी गैप नहीं रह जाता और आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करके वैलेंस टू कंडक्शन बैंड पहुंच जाते हैं, इसी कारण करंट का फ्लो होता है। जबकि इंसुलेटर में ईजी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, करंट का फ्लो नहीं होता और ये इंसुलेटर बने रहते हैं। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनके लिए ईजी की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है से लेस होती है, इसी वजह से इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर जाते हैं और फिर इसके बाद हम उनमें इम्प्योरिटी मिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसमिट कराते हैं। कार्बन जो है इसी ग्रुप में जर्मेनियम सिलिकॉन वाले ग्रुप में होने के बावजूद भी ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, क्योंकि जो एनर्जी गैप है कार्बन की वो अप्रॉक्स 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जिनकी एनर्जी ग्रेटर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए कार्बन अर्धचालक नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है, ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, नहीं अचालकों की भांति कार्य करता है।